तो हेलो दोस्तों, मैं मनु स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खुनी गवर्स में। तो गाइस आपने वीडियो को थंबनेल वो देख लिया, तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू करेक्टर आने वाला है वो जय। तो उसकी एबिलिटी क्या होने वाली है, वो कब तक आपको देखने को मिलेगा, गाइस जीजे आलोक वो गोल्ड में आएगा या नहीं आएगा, जय करेक्टर है वो आने वाला है वो कब तक कैसे वर्क करेगा, उसकी एबिलिटी वो क्या होंगी, तो इस वीडियो में आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात वो करना चाहता हूँ कि गाइस कल मैं जब लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो मेरे 8.5 के सब्सक्राइबर लाइव स्ट्रीम पे कंप्लीट हुए थे। तो एक लड़के ने बोला था कि मनु भाई आपके 8.5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। अब यार कोई भी, अगर आप भी लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, अगर आपको कोई बंदा आके बोले कि भाई आपके इतने सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, तो जाहिर सी बात है कि आप खुश होंगे। तो गाइस वहाँ पे मतलब मैंने उसको डायमंड ने वो दिए थे, तो उसकी पोस्ट है वो मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, वहाँ पे जाके मेरे को देख सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना। तो गाइस जो भी होता है मैं इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ। तो गाइस मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो गाइस इस वीडियो में भी एक 100 डायमंड का गिवअवे चल रहा है। तो गाइस जो भी बेस्ट कमेंट डालेगा उसको मेरी तरफ से 100 डायमंड वो दिए जाएंगे, यानी उसी कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। जैसा कि मेरे हर वीडियो में होता है कि मैंने बोला है कि अगर मेरी कोई भी अगर वॉइस ओवर के साथ कोई वीडियो आती है तो उसमें मैं 100 डायमंड का गिवअवे रखता हूँ। तो गाइस इस वीडियो में भी एक 100 डायमंड का गिवअवे चल रहा है। तो अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर जो भी भाई नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अब गाइस हम बात करने वाले हैं न्यू करेक्टर जो आने वाला है जय, उसका मतलब कॉस्ट्यूम है वो कैसा होने वाला है। यानी पहले इन्होंने गैरेना वालों ने अपडेट किया था कि 29 तारीख को वो फ्री फायर में अंदर आ जाएगा, यानी कमिंग सून 29 तारीख, बट ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि अगर ये 29 तारीख को दे देते फ्री फायर वाले, यानी अपना चूतिया वो काट रहे हैं और इनको कमाने पैसे हमसे, तो अगर 29 तारीख को ये फ्री फायर वाले अगर दे देते तो फिर इस ऐप की जो मतलब वो होती है ना, यानी जब हम परचेस करते तो वो उसकी कम हो जाती। क्योंकि अगर एक साथ ही कोई करेक्टर आ जाता है तो हम उसको यही समझते हैं कि भाई ये करेक्टर है वो मतलब ऐसा ही होगा। यानी कोई मूवी हिट कब होती है मूवी, जब उसके बारे में जैसे बाहुबली हुई थी कि कटप्पा को क्यों मारा, तो ऐसी गाइज यहाँ पे जय करेक्टर को ये ऐसे ही नहीं देने वाले हैं। इन्होंने कोई डेट है वो फिक्स नहीं की है, यानी ये कन्फर्म हो चुका है कि जय करेक्टर 100% आएगा, बट ये कन्फर्म नहीं हुआ कि वो कब तक आएगा। पहले उन्होंने 29 तारीख दी थी, अब वहाँ पर अगर हम बोल देते कि भाई 29 तारीख को कन्फर्म आने वाला है तो यार वीडियो तो ये तो मतलब व्यू कमाना हो गए एक तरीके से। तो ये कन्फर्म नहीं है कि भाई ये कब तक आएगा। 29 तारीख उन्होंने पहले बोला था, बट आज 30 यानी 30 तारीख वो हो चुकी है, बट अभी तक जय करेक्टर वो नहीं मिला, यानी वहाँ पर सिर्फ ये लिख रहा है कमिंग सून। अब गाइस हम इसके कॉस्ट्यूम की बात करें तो जैसे क्रिस वाला कॉस्ट्यूम है, वो क्रिस वाला कॉस्ट्यूम नहीं आएगा, क्योंकि यार वर्ल्ड का सबसे हैंडसम मैन है वो अपना ऋतिक रोशन सर ही है, और आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे जो कॉस्ट्यूम है, आप कॉस्ट्यूम में आपको दिखाने वाला हूँ, ये कॉस्ट्यूम गाइस यहाँ पे आने वाला है जो कि मतलब बहुत ही शानदार और बहुत ही ओपी है देखने को। आप देख सकते हो इसका कॉस्ट्यूम, यानी क्रिस वाले बंडल में वो नहीं आया, बट अगर क्रिस वाले बंडल के साथ आता अपना जो ऋतिक रोशन सर है तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता, बट यहाँ पे क्रिस वाले बंडल के साथ है वो नहीं आया। अब गाइस यहाँ पे हर किसी कोई भी कैरेक्टर आता है, जैसे आलोक आया था, कोई भी कैरेक्टर आता है तो उसकी एबिलिटी मतलब उसका इमोट है वो साथ में देते हैं। तो यहाँ पर जय कैरेक्टर का इमोट है वो 100% ये वाला इमोट है मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये 100% ये वाला इमोट वो आपको देखने को मिलेगा, यानी इसका आप इमोट वो देख सकते। मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि मतलब इमोट वो बहुत ही खतरनाक है, आप सभी को भी खतरनाक ही लग रहा होगा, क्योंकि यार इमोट इतना मतलब तगड़ा वाला दिया है इन्होंने, गैरेना ने मतलब फाड़ के फेंक दिए। तो ये इंडिया का कैरेक्टर गाइज, इंडिया का कैरेक्टर तो मतलब हमेशा से ही फाड़ू रहता है, और जो भी किसके ऊपर बेचते हैं अपने ऋतिक रोशन सर के ऊपर। तो गाइज ये ऋतिक रोशन सर के ऊपर मतलब आप सभी को अच्छा ही लग रहा होगा कि यार अपने इंडिया का कैरेक्टर वो आने वाला है। अब इसकी अगर एबिलिटी के बारे में बात की जाए तो भाई इसकी एबिलिटी मतलब बहुत ही खतरनाक होने वाली है। इसकी एबिलिटी गाइज यहाँ पर क्या होगी उसके बारे में भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसकी एबिलिटी गाइज जैसे ही गन अपनी रिलोड मांगती है तो ये कंफर्म नहीं है कि गाइज ये शॉर्ट गन के लिए है ऑल गन के लिए है, ये सिर्फ शॉर्ट गन के लिए भी हो सकती है ऑल गन के लिए भी हो सकती है, कि जब भी हम गन चलाते हैं तो अपनी गन पर रिलोड मांगती है, ये आप सभी को पता है। तो गाइज अगर हम जय करेक्टर को यूज़ करेंगे, अगर हम जय करेक्टर के साथ खेलेंगे तो अपनी गन है वो रिलोड नहीं मांगेगी, ऐसा मतलब सुनने में आया, ये कंफर्म नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यार हमको तो सिर्फ अपडेट मिलते हैं। तो अपडेट में गाइज यही पता चला है कि अगर जब भी हम कोई गन चलाएंगे तो उसकी जो एबिलिटी, अगर हम जय करेक्टर के साथ अगर हम गेम खेलेंगे तो उसकी जो गन होती है ना वो रिलोड नहीं आएगी, यानी ये जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से मतलब बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर वो आने वाला है। क्योंकि यार ये अपने इंडिया का कैरेक्टर है तो एरा गैरा न तो खैरा नहीं है, इंडिया कैरेक्टर का हमेशा बेस्ट ही रहता है। अब गाइस हम बात करने वाले हैं डीजे आलोक की। अगर जय कैरेक्टर अगर अच्छा रहा, यानी बहुत ही मतलब इस पर बहुत दिन से वर्क कर रहा था और फ्री फायर के अंदर कई दिनों से इसकी मतलब चर्चा है वो हो रही है कि यार जय कैरेक्टर वो आने वाला है, जय कैरेक्टर आने वाला है। अब गाइस जय कैरेक्टर आएगा तो अगर उसकी मतलब एबिलिटी अगर आलोक से भी बढ़ के रही,
तो गाइस यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर हम आलोक को परचेस नहीं करेंगे, सभी लोग जय करेक्टर को परचेस करेंगे, तो गरेना फ्री फायर को मतलब आलोक को गोल्ड में फिर देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम कोई भी करेक्टर हो, अगर उसकी मतलब पहले कौन सा करेक्टर था, हयातो था, ये मतलब करेक्टर थे वो मतलब बहुत ही ज़्यादा शानदार थे, बट फिर उनको क्या करना, आलोक आया तो इनकी एबिलिटी मतलब थोड़ी कम पड़ गई, तो फिर इन्होंने मतलब हयातो को वो गोल्ड में दे दिया। अब भाई ऐसी मतलब जो आलोक करेक्टर उसको भी मतलब इनको गोल्ड में देना पड़ेगा, क्योंकि यार अगर गोल्ड में नहीं देंगे तो मतलब इनके लिए ही प्रॉब्लम होने वाली। तो ये मतलब 100% तो नहीं, बट गाइज यहाँ पे मैं कुछ मतलब जो हमको अपडेट मिलते हैं यार, हमको कंफर्म तो हमको भी नहीं पता रहता, किसी को भी कंफर्म नहीं पता रहता, तो यहाँ पे ये अपडेट मिला है कि अगर जय करेक्टर अगर सबसे दासु या सबसे तगड़ा रहा तो आपको जो ये करेक्टर है वो आपको गोल्ड में देखने को मिल जाएगा। अब गाइज ये सिर्फ अपडेट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर जो भी भाई नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, और फटाके से यार 90 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करवा दो यार। लव यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।